बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने आपको तीसरी सवाल बताया था, 616 और 32 का SCF निकालना, तो सेना नायकों के संबंध में थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, चौथी सवाल है वो ये है, तीन नियम प्लस एक एक पूर्ण एक धन पूर्णांक संख्या का वर्ग है। तो माना वह धन पूर्णांक संख्या बराबर यक्स, तो यक्स स्क्वायर बराबर तीन एम हो जाएगा और यक्स स्क्वायर बराबर तीन एम प्लस एक, हमको यह सिद्ध करना है। तो माना यक्स बराबर तीन क्यू, ठीक है। अब यहां दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपके मन में एक सवाल उठ गया होगा कि यक्ष बराबर, हमने वह धनपूर्णांक संख्या यक्ष माना है, तो हमने यक्ष, और चूंकि यहाँ यक्ष धनपूर्णांक संख्या का वर्ग कह रहा है, वर्ग बराबर तीन एम के है, वर्ग बराबर तीन एम प्लस एक के है, तो यहाँ हमको सिद्ध करना है कि x स्क्वायर बराबर तीन एम, x स्क्वायर बराबर तीन एम प्लस एक। अब चूंकि धन पूर्णांक संख्या कितना आपने माना है x, तो माना x बराबर हम तीन क्यू, ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग जो करें, क्योंकि यहाँ वर्ग है, से वर्ग लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो x स्क्वायर बराबर तीन क्यू का वर्ग, तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा तीन तिरिक्का नौ क्यू स्क्वायर, फिर यक्स स्क्वायर बराबर नौ को थोड़ा तो तीन तिरिक्का तीन क्यू स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा तीन, अब इसका मान कितने बराबर है, क्योंकि तीन है, यक्स स्क्वायर बराबर कितना तीन एम के बाद, यक्स स्क्वायर हो जाएगा तीन तीन एम, यहां चूंकि तीन क्यू स्क्वायर बराबर एम के होगा, ये हो गया सिद्ध, हो गया प्रूव्ड कि x स्क्वायर बराबर तीन एम के। इसी प्रकार हम यहां भी सिद्ध करेंगे, माना x बराबर तीन एम प्लस ए। अब चलो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमने आपको बताया है दोनों पक्षों का वर्ग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ग है एक्स पर, यहाँ एक्स पर वर्ग नहीं है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर भी वर्ग आ जाएगा, इसलिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो एक्स स्क्वायर बराबर तीन एम प्लस एक का वर्ग। बच्चों, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया सूत्र में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस दो ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब यहां बैठा दिया मान हमने, बराबर तीन एम का वर्ग प्लस दो इंटू तीन एम, बी का मान एक है प्लस एक का वर्ग बराबर तीन तिरिक्का नौ एम स्क्वायर प्लस दो प्लस, या इसको ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, चलो लिख लीजिए तीन तिरिक्का नौ एम स्क्वायर प्लस द्वितियाई छ एम और प्लस एक। अब इसको लिखेंगे बराबर तीन नौ, नहीं निकाल लीजिए कामन, इतने में क्या कामन है, तीन कामन है, तीन निकाल लिया, तीन एम स्क्वायर प्लस दुई तीन दूनी छ प्लस एक।
अब यहाँ सब ये यक्ष के बराबर है, यक्ष स्क्वायर यक्ष स्क्वायर यक्ष स्क्वायर। अब आया यक्ष स्क्वायर बराबर तीन, इसका मान कितना आ जाएगा एम प्लस एक, क्योंकि तीन एम स्क्वायर प्लस टू एम बारह। यहां भी हमने क्यू मान लिया बेटा, क्यू मान लिया क्यू, हर जगह क्यू कर दीजिए क्यू क्यू आ रहे हैं और प्लस ए। अब आ जाएगा बराबर है एम, अब आ जाएगा अतः एक्स स्क्वायर बराबर तीन प्लस ए टू। देखिए चूंकि तीन एम प्लस ए बराबर धन पूर्णांक संख्या का वर्ग ज्ञात करना था, तो माना हुआ धन पूर्णांक संख्या बराबर एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर तीन एम, एक्स स्क्वायर तीन एम प्लस ए, तो माना एक्स बराबर तीन, क्यों चूंकि हमने धन पूर्णांक संख्या क्या माना है एक्स माना है, तो एक्स बराबर तीन क्यू मान लिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स का वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, तीन क्यू का वर्ग किया तो तीन त्रिका नौ क्यू हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर चूंकि तीन यहाँ था तो तीन को बाहर निकाल लिया तो तीन क्यू बचा, तीन क्यू घात दे दो तो तीन क्यू घात दे दो बराबर कितने हो जाएगा एम के, एक्स स्क्वायर बराबर तीन एम। अब यहाँ देखिये एक्स स्क्वायर बराबर तीन एम प्लस एक है, तो माना एक्स बराबर तीन क्यू प्लस एक, दोनों पक्षों का वर्ग किया क्योंकि यहाँ वर्ग है, तो वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर तीन क्यू प्लस एक का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर तीन ए का वर्ग किया, ए का मान तीन क्यू है तो तीन तीन का नौ क्यू वर्ग हो गया और दो और यहाँ आ गया तीन क्यू, यहाँ भी क्यू हो जाएगा तीन क्यू प्लस ए प्लस बी का मान एक का और हो गया तो तीन तीन दूनी छह क्यू प्लस ए एक का और। अब यहाँ तीन कामन हो गया दोनों में, तीन क्यू प्लस तीन क्यू घात दे दो प्लस दो क्यू प्लस एक, तीन क्यू घात दे दो क्यू का मान कितना होगा एम होगा, यहाँ एम रख दिया तीन एम प्लस एक आ गया। इस प्रकार से आपकी ये सवाल संपूर्ण हुई। अब अगली सवाल आपकी है पांचवी सवाल है सिद्ध कीजिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 बराबर 1 धन पूर्णांक संख्या का घन। ये सवाल आपको अब नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, इसके पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसे शेयर करें अपने मित्रों के पास, इसे उन्हें भी इसका पूरा पूरा लाभ मिल जाए। धन्यवाद।